नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप मुझे देख रहे हैं एक और नए वीडियो में। आज हम अमरकंटक में हैं और ट्रेवल ब्लॉग है ये अमरकंटक का। ये अमरकंटक मेरा सेकंड विजिट है, इसके पहले रेनी सीजन में आए थे। अमरकंटक आने के लिए दो सीजन बेस्ट हैं, एक ठंडी का सीजन और एक रेनी सीजन। अगर आप अमरकंटक आना चाहते हैं रायपुर या बिलासपुर से, तो ट्रेन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। नीरस स्टेशन पेंड्रा रोड है, वहाँ उतरिए आप और बाई रोड आप बस से या अपने कन्वीनियंस से आप आ सकते हैं। और अगर आप बिलासपुर रायपुर से बाई रोड आना चाहते हैं तो तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है रतनपुर होके, जो कि बेस्ट रास्ता है, लेकिन सीनिक व्यू उतने अच्छे नहीं है। रास्ता बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आप अमरकंटक आ जाएंगे, रोड बहुत अच्छी है। सेकंड रास्ता है कोटा होके बेलगाना होते हुए खोटरी घोंसरा होते हुए आते हैं, जो कि बेस्ट सीनिक व्यू है। काफ़ी अच्छे व्यूज हैं रास्ते में और एवरेज रोड्स भी ठीक हैं। और थर्ड रास्ता है अचानक मार होके, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले बंद थी अब वो खोल दी है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि रोड उतनी अच्छी है नहीं, तो अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, तो आप अचानक मार होके आइए। तो ये बेस्ट रास्ते हैं तीन। और बिलासपुर से अमरकंटक की दूरी है 113 किलोमीटर, तो बड़े आराम से आप 2 से 2.5 घंटे पहुंच सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कोटा बेलगाना रूट से जाना चाहिए, काफ़ी अच्छे सीनिक व्यू हैं और अचानक मार्ग जितने ही अच्छे हैं, बल्कि कई जगह बेटर भी हैं और रोड्स काफ़ी अच्छी है, तो पेनफुल जर्नी नहीं रहेगी वहाँ पे। ये अमरकंटक का लैंडस्केप व्यू है, आप देखिए पूरा उधर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा स्टार्ट होकर इधर जा रहा है चारों तरफ। अभी और ऊपर जाएंगे, यहाँ का तो आप केवल व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। और वेदर के कारण ठंडी में आने का समय सबसे सही है, बरसात में आप आएंगे देखिए लैंडस्लाइड हो रहा है चारों तरफ। अब देखिए आवाज़ सुनिए, बंदर लगता लड़ रहे हैं आपस में, तो व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ तो आप काफ़ी देर तक बैठे रह सकते हैं, क्योंकि सामने का सीन जो है वो आपका मन भरेगा ही नहीं इसको देख देख के। बंदर वाला भाई है, जितने बंदर आ रहे हैं ना सब इसके दोस्त हैं। और सेम चश्मा, क्या नाम है भाई? पूनम। पूनम लड़की टाइप नाम है यार तेरा? नाम पड़ गया तो क्या, नाम में क्या रखा है? अगर आप अमरकंटक आते हैं तो चार बेस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे जिसको आपको देखना चाहिए। फर्स्ट है सोनमुड़ा, जो सोन नदी यहाँ से निकलती है। सेकंड है श्रीयंत, जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी अच्छा प्लेस है, ऊपर जाके देखेंगे तो काफ़ी बड़ा दिखता है। और थर्ड है नर्मदा नदी का उद्गम, जहाँ से नर्मदा नदी निकली है। और फोर्थ है यहाँ पे वाटरफॉल, पहला है कपिलधारा और उसका छोटा वाला जो वाटरफॉल है उसको बोलते हैं दूधधारा, जो नीचे जाके होता है। तो दोनों व्यू मिलते हैं, ऊपर से आपको कपिलधारा का व्यू मिलता है, आप नीचे जाते हैं तो कपिलधारा प्लस दूधधारा का व्यू मिलता है। तो चार प्लेसेस हैं, स्टार्ट करिए सोनमुड़ा से, जो सोन नदी निकली है, और ये प्लेस है सोनमुड़ा। यहाँ आप देखिए बेस्ट प्लेस है अमरकंटक का। अभी धुंध है, फॉगिंग देख लीजिए, कितना सारा फॉगिंग है यहाँ पे। बेस्ट प्लेस है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से करिए। ये फर्स्ट प्लेस है, जो रास्ता है रूट वाइज भी देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करिए। फिर बीच में श्रीयंत पड़ता है, उसके आगे जाएंगे तो नर्मदा देवी का मंदिर पड़ता है, और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो वाटरफॉल है। ये चार प्लेसेस हैं। और जब आप वाटरफॉल से निकलेंगे तो आगे पड़ता है कबीर चबूतरा। कबीर चबूतरा में तीन प्लेसेस हैं, एक है कबीर बट, दूसरा कबीर चबूतरा और तीसरा है कबीर सरोवर, जो पानी जमीन से निकलता है। तो वहाँ तीन प्लेस हैं, बेस्ट प्लेसेस हैं, वो आप विजिट करिए। अभी आप सोनमुड़ा देखिए।
ये भाई है, गिटार भी रखा है, फोटो भी खिंचाना है तो गिटार को मनोरंजन करो, तुरंत प्रिंट खाई के अंदर भी प्रिंट दे देता है खाई के अंदर जाओ प्रिंटर लेके साथ में कूदेगा रास्ते में प्रिंट देके फिर भैया इसे क्या नाम है भाई, क्या नाम है तेरा? नाम है कहीं भी निकल जाता है बैटरी से रखे हो? हाँ बस कहीं भी। बहुत बढ़िया सर्विस, पानी के अंदर, समुद्र में, पहाड़ पत्थर पे, जहाँ चाहिए सब सब एक्सेसरीज भी है। बजाना आ रहा है, आ नहीं रहा है कोई बात नहीं, फोटो तो आ रही है। पीछे देखिए आप, ये श्री यंत्र है और बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। अगर आप आते हैं अमरकंटक में तो यहाँ जरूर घूमिए, और थोड़ा ऊपर चले जाइए, वहां से ऊपर चले जाइए, ऊपर से पूरा व्यू दिखता है। इसके पीछे एक मंदिर भी है जो कार्यशाला बोल सकते हैं या एक छोटा मंदिर बोल सकते हैं, मंदिर भी है अंदर, तो ऊपर देख लीजिए। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए ओपन नहीं किया, उन्हें पूजा पाठ नहीं होती, मंदिर वगैरह भी नहीं है और अलग लेवल का यहाँ पे विज्ञान है, तो वहां जरूर जाइए। और ये जो सामने दिख रहा कलर पहले दूसरा था, अब उन्हें एक टाइप का कर दिया है, पहले अलग टाइप का था, व्हाइट में और थोड़ा ब्लैक टाइप का था, जो पिछले मेरे वीडियो में आपको दिखेगा बढ़िया। तो यहाँ जब भी आप आते हैं तो यहाँ विजिट सेकंड नंबर पे आप करिए, फर्स्ट पे सोनमुड़ा, सेकंड में श्री यंत्र, बेस्ट प्लेस है। आर्किटेक्चर देखिए आप, बेस्ट है। पास जाकर देखिए तो काफ़ी सारी मूर्तियों पर डिटेलिंग की गई है, तो बेस्ट है। आगे चलते हैं, भूखे कुछ खा लेते हैं। सुबह नाश्ता किया था आप लोगों के साथ, कॉफी और नाश्ता कर चुके थे, भूखे हैं बहुत। दो बज रहा है, दो बज रहा है। और ये नर्मदा उद्गम है, यहाँ से ये नर्मदा नदी चालू होती है और पूरा गुजरात तक जाती है, और यहाँ पर सरदार सरोवर डैम भी इसी पे बना है, तो ये काफी दूर तक जाती है नदी और यही से चालू होती है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो अपने नियर और डियर वन को इनकरेज करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगली बार फिर किसी नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।